हैं? हाँ, हम देखिए कैसे हंस रही है। क्या कुछ कह रही हो? सास को ले ये। कोई आए, कोई बच्चे को लेकर अभी तक नहीं चढ़ा हुआ, हमने नहीं देखी एक भी वीडियो। फर्स्ट हम ही हैं जो लेके चढ़े हैं। 7 मंथ के बच्चे को। बच्चे लोग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं चाइना पीक, जिसे नैनी पीक भी बोलते हैं। हम यहाँ से जाएंगे हिमालय दर्शन पहले गाड़ी से, फिर उसके बाद वहाँ से पैदल पैदल ऊपर जाएंगे चाइना पीक को। तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा हमें। अभी बज रहे हैं 7:10 और देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें जंगली मुर्गियाँ देखने को मिली। ये हमारी गाड़ी यहीं पे पार्क हुई थी और ये हमें देखते ही यहाँ से भागने लगी। तो अभी इस रास्ते से आए हम और ये ऊपर जाता है और हिमालय दर्शन को, और हमें जाना है नैना पीक। ये समरीन है, इन्हें तो आप जानते होंगे, शाहरुख, वो फाबिया। यहाँ आके मैगी पॉइंट है, ये चेक पॉइंट है। अब हम इस रास्ते से जाएंगे और अभी टाइम हो रहा है हमारा, टाइम हो रहा है 7:33। देखते हैं अब कितना टाइम लगेगा इसमें चढ़ने में। हमारे साथ जा रही हैं वरीशा। ये हैं वरीशा, ये बहुत परेशान कराए इन्होंने सुबह तैयार होने में। एक गोद में लेके खड़ा रहा है इन्हें, उसके बाद एक ने काम कराए और जब हम अब स्टार्ट हुए हैं चलना, चलिए चलते हैं। हाँ, ऐसा टूटा फूटा सा रास्ता है, सीढ़ीदार, संभाल संभाल के चलना है। आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही होगी वो जंगली मुर्गी है, जो अभी हमने आपको पीछे वीडियो में दिखाया था। छोटा वाला इनके कंधे पे चढ़वा दो बच्चों के, उसमें ज़्यादा वजन नहीं है, बड़ा तुम टांग लो। इस वाले बैग में वरीशा का दूध और इस वाले बैग में हमारा खाने पीने का सामान। जिंदाबाद। यार आज बादल से हो रहे हैं। पॉइंट है ये, वाव हिमालय दिख रहे हैं। गाइस ये गहराई बहुत ज्यादा है, लुक एट दिस, इधर भी गहराई बहुत ज्यादा है। जूम करता हूँ अगर, ये देख, बहुत ज़्यादा गहराई और बहुत हवा चल रही है। हवा वो आपको ऑब्जर्वेटरी दिख रही है और वो हिमालय दिख रहे हैं कितने साफ। जूम करने पे देखिए यहाँ से। अब चलते हैं हम वापस यहाँ से ऊपर को।
देखिए वो रास्ता है, हम नीचे सोते हुए आ रहे हैं इस रास्ते से। Guys, look at this. हिमालय दर्शन, हिमालय के दर्शन है यानी कि हिमालय। मैं थक गई हूँ। ये पत्तों के कलर ना, ये बर्फ पड़ने से, पाला पड़ने से ऐसा हो गया, हरे था हरे से ऐसा हो गया, सूख गया। देखिए वुड पिकर चौच मार मार के घर बना रही है, आपका आवाज भी आ रही होगी। गाइस ये देखें सारा बर्फ पड़ने से, ओस पड़ने से, ओस कहते हैं, तो ये सफ़ेद हो गए सारे। अब मुझे भागना पड़ेगा, अकेला रह गया मैं। तो बना ही नहीं, ये पाला है ना, गीला गीला था। गाइस अभी हमें यहाँ पे कुछ दिखा था जिसके सींग थे काकड़, पर अभी दिखा नहीं, बस भागता हुआ देखा, हमारी आहट हुई ना तो छुप गया इस साइड पे था, यहाँ पे। ये सब पाला जमा हुआ है यहाँ पे और मेरा सांस फूल रहा है। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, बस 5 मिनट में। वो ऊपर आपको दिख रहा है, वहां तक हमें पहुंचना है। फाइनली मोस्टली हम पहुंच गए, 200 मीटर बचा है बस यहाँ से, सांस फूल रही है। कोई आए कोई बच्चे को लेकर अभी तक नहीं चढ़ा हुआ, हमने नहीं देखी एक भी वीडियो, फर्स्ट हम ही हैं जो लेके चढ़े हैं। 7 मंथ के बच्चे को, बच्ची नॉट बच्चे। यहाँ पे इन्हें भूख लगी आई थी, इन्होंने बहुत परेशान करा है। कुछ कहना चाहेंगे आप? हैं? हाँ हम देखिए कैसे हंस रही है। क्या कुछ कह रही हो? सारे यहाँ पर पाला पड़ा हुआ है।
परीक्षा फाइनली पहुंच गए हम चाइना पीक। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये नैनी झील है जो माल रोड पे आपको दिखती है, जो दो पहाड़ों के बीच में है और ये मैंगो के शेप में है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये मैंगो के शेप में है। घर देखिए वहाँ पे कितने के पीछे और हम अपने साथ घर से मैगी बना के ले गए थे, ब्रेड ले गए थे और चाय ले गए थे ताकि हमें वहाँ पे परेशानी ना हो। इतना चल के गए थे तो भूख तो लगनी थी। ये हमारी मैगी है। हमारा जुगाड़। बस दूसरा आप अपने कप में भर लो। गाइस वो जो दिख रहा है ना वहाँ पे वो फ्लैट है जहाँ पार्किंग खरीद करते हैं ना हम, वो आपको गाड़ियाँ आगे ही होंगी। हाँ वो पॉइंट जो अमर उजाला का भी है वो। ओहो ये यस वो फ्लैट है जहाँ पे वो ग्राउंड है बहुत बड़ा और हम इतने ऊंचाई पे देखिए कितना। अभी सड़क भी नहीं दिख रही है, वहाँ पे सड़क भी है, मॉल रोड भी है। वो वहाँ पे मॉल रोड है, हवा चल रही है बहुत तेज। इस ऊंचाई देखिए और वो जो दिख रहा है वहां पे वो ऑब्जर्वेटरी है। सो गाइज हम जा रहे हैं वापस अब घर पे। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।